पहली बार राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2016 सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरी कोटा और भी बहुत कुछ। 25,000 वैरायटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। एमजीएम अस्पताल में जीवित व्यक्ति को नर्सों ने बताया मृत, हंगामे के बाद पुलिस ने किया मामला शांत। राजनगर के छोटा सिजुलता में रहती जमीन पर बिजली खंभा लगाने को लेकर जमीन मालिक ने किया हंगामा। साक्षी मरीन ड्राइव गोल चक्कर के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर दो युवक जख्मी, एक की हालत गंभीर। और जमशेदपुर में दो अलग अलग जगहों पर शराब पीने से एक की हालत खराब, एक की मौत। खबरें अब विस्तार से और खबरों में बात करेंगे सबसे पहले एमजीएम अस्पताल में जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करने के बारे में। आपको बता दें, कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम अस्पताल में लापरवाही का एक नया मामला सामने आया है। एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उस वक्त हंगामा हुआ जब नर्सों ने एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। दरअसल ह्यूम्बे बस्ती छायानगर निवासी 50 वर्षीय रवि नामता को रविवार तड़के तबीयत बिगड़ने पर परिजन एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां ड्यूटी पर तैनात नर्सों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। रवि के परिजन उसे मृत समझकर घर ले गए। घर ले जाने के बाद सभी ने पाया कि रवि की सांसें चल रही है। परिजन आनन फानन में उसे लेकर फिर से एमजीएम अस्पताल पहुंच गए। इस बार अस्पताल के जूनियर डॉक्टर के क्रम में रवि नामता की मौत हो गई। रवि के पुत्र राजेश ने बताया कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगाया और ऑक्सीजन मास्क भी लगाया। इस मामले के बाद एमजीएम प्रबंधक ने रवि के परिजनों को ब्राउट डेथ का पेपर बनाकर दिया है, जिसमें डॉक्टर एन उराव ने सांची पुलिस को एक आवेदन लिखा है कि 15 दिसंबर को सुबह 9:10 में एक व्यक्ति रवि नामता को लाया गया, जिसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया। इधर अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर दिवाकर हांसदा ने बताया कि परिजन अगर लिखित रूप से देंगे तो मामले की जाँच की जाएगी। मृतक के छोटे भाई सुरेन नामता ने आरोप लगाया कि डॉक्टर के जांच के बगैर ही उनके भाई को सिस्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब बताते हैं कि पेशेंट मर गया। जल्दी पुलिस के बारंदा में बैठा हुआ था, गिर गया तो हाथ पर टालने लगा, तो हम लोग लेके आए तो यहाँ सुलाया, तो सिस्टर निकला तो सिस्टर बोलता है, तो बोलता ये कर गया, बोलता डेट कर गया, ले जा घर। तो हमने जैसे निकाले तो एक तो बैठा हुआ था तो मोटा करके आदमी, ड्राइवर न कौन है, बता जल्दी ले जाने तो पुलिस केस हो जाएगा। तो हम लोग डर से लेके गए, हम लोग उतना दिमाग नहीं था, लेके चले गए घर से। फिर गरीब आदमी, फिर जब घर में सब कोई देखा
जगह मेरी सांस चल रहा है, फिर रिटर्न लेके आए, फिर रिटर्न लाए तब जा डॉक्टर चेक किया, बोलता ये देख के बोलता अब तो खत्म। क्या बोला देख के डॉक्टर? बोलता अब तो खत्म हो, पहले चेक करने चाहिए। हाँ तो फिर पहले डॉक्टर नहीं चेक किया तो आप लोग क्या मांगे? कोशिश किया गया, फिर ले गया घर, फिर वहाँ कौन देखा नहीं देखा, यहाँ आके फिर थोड़ा हंगामा हो रहा है। घर वाले क्या कह रहे थे? यही बोल रहे हैं कि हम जब पहले रहे थे उस समय जिंदा था बस। नहीं जब ले करके आए थे तो कौन चेक किया? ये लोग तो बोल रहा है डॉक्टर नहीं चेक किया है, डॉक्टर नहीं चेक किया है। तो नहीं ना अभी तो हम इन लोग का बोल रहे हैं डॉक्टर नहीं चेक किया है। तो कौन चेक किया था? अब इन लोग का कहना है नर्स या कोई चेक किया है। नर्स कोई ड्राइवर के बारे में बता रहे हो, बोल दिया मर गया, क्या है ये सर, क्या है पूरा मामला? हाँ ये लोग तो बोल रहे हैं। हाँ क्या बोल रहा था ड्राइवर? बोला कि मैंने हम लोग को भगा दिया ड्राइवर, लेकिन क्या बोल के भगा दिया? बोला पुलिस केस हो जाएगा, तो पुलिस केस से ये लोग क्यों डर रहा है? कि कोई पेशेंट को लाए थे लोग, तो डॉक्टर द्वारा उसको कहा गया कि मृत घोषित हो गया है। डॉक्टर ने बोला नहीं देखा? हमने ये लोग कह रहे हैं जैसे हमको सूचना मिला कि इंस्पायर कर गया है, तो लोग घर ले गया, फिर घर पता चला कि शायद सांस चल रही है, दोबारा फिर लेकर के आया लोग, तो फिर एडमिट किया लोग, तो फिर पुनः जांच किया गया, तो डॉक्टर द्वारा बताया गया कि आदमी इंस्पायर कर गया है। तो ये लोग कह रहे हैं कि बढ़िया से पहले क्यों नहीं चेक किया गया और मृत घोषित क्यों कर दिया गया, इसी के लेकर के पहले जो जब लोग पहले फर्स्ट टाइम लेकर था, क्या उसको कौन देखा, डॉक्टर देखिए या नर्स देखा? ये चीज तो अभी पता नहीं चला। क्या कह रहे हैं ये लोग? तो कह रहे हैं कि नर्स। इधर राजनगर प्रखंड के छोटा सीजुलता में एक रैती जमीन पर 11,000 वोल्ट के सप्लाई ले जाने के लिए विद्युत विभाग के कर्मियों द्वारा रैती जमीन पर खंभा गाड़ने को लेकर रविवार हंगामा हुआ। यहां जमीन के मालिक अशोक कुमार ने अपना विरोध जताया। जमीन मालिक का कहना था कि उक्त स्थान पर वह मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, विद्युत कर्मियों के द्वारा बिना इजाजत के खंभा लगाया जा रहा है। जमीन के मालिक ने कहा कि इससे पहले भी विरोध किए जाने के बावजूद भी बिजली का खंभा लगा दिया गया था। उन्होंने कहा कि उनके जमीन के बगल में खंभा लगाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा जमीन में हम घर बनाने के चाहते हैं कि लाइन तार वाला जबरदस्ती तार खींच रहा, और हम उसको मना किए तो इंजीनियर बोला कि गड़ सकते हैं हम लोग, जबरदस्ती भी कुछ नहीं कर पाइएगा ऐसे बोले हैं। इंजीनियर होके ऐसा बात बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे उनको? बोले सर देखिए ऐसा मत बात कीजिए, तभी से बात कीजिए इंजीनियर होके, इतने जमीन में जबरदस्ती ले जाइएगा क्या? हम ऐसे बोले अभी हम एक बार तार खिंचवा रहा था, उस टाइम भी मना किया कि बोला कि बीच वाला हट जाएगा और हटा नहीं, वही रह गया। फिर दो दो को तार हम मेरा जमीन में खिंचवा रहा, घर कैसे बनाएंगे, मेरा जमीन इतना ही है। अच्छा अभी आप घर बनाना चाहते हैं? हाँ घर बनाना चाहते हैं। अभी आप क्या चाहते? उधर पुराना कोर्ट के आगे मेरिन ड्राइव गोल चक्कर के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार दो युवक जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है रविवार की सुबह मेरिन ड्राइव रोड गोल चक्कर के पास एक अज्ञात युवक अपने दोस्त के साथ बाइक से जा रहा था, एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर दोनों युवक जख्मी हो गए, एक की हालत गंभीर बताई जाती है। बाद में स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया। इधर स्थानीय नीरज कुमार ने हादसे के संबंध में जानकारी दी। हाँ उधर हम लोग जा रहे थे तो हम लोग देखे भाई पड़ा हुआ आदमी, एक्सीडेंट पड़ा हुआ, उसको लेके आ गए हम लोग हॉस्पिटल। एम्बुलेंस को फोन किए, एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस को हम लोग जा रहे थे गवरिया। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। नीरज कितना कितना क्या चीज से हुआ, क्या पता चला वहाँ पे? वो हम लोग देखे नहीं। कितना बजे था वहाँ गिरा हुआ? एक आध घंटा। कितना देर टाइम नहीं कोई बताया पब्लिक लोग कुछ ऐसा पूछताछ किया कौन कहाँ हुआ एक्सीडेंट? नहीं। कितना लोग का हुआ है? दो आदमी था। बाइक कहाँ है? बाइक था कि क्या? कुछ नहीं था वहाँ पे, कुछ नहीं है।
आपका क्या नाम बता? नहीं, कोई बोल रहा था वहाँ पे, एक आध गाड़ी वाला। वहीं साक्षी जेल चौक के पास अधिक शराब पीने के कारण एक होटल कर्मी पूरी रात सड़क पर बेहोश हालत में पड़ा रहा। संजय दास ने बताया, बलविंदर उसका छोटा दोस्त है और बलविंदर कोर्ट में एक होटल में काम करता है। अधिक शराब पीने के कारण बलविंदर जेल चौक पर बेहोश होकर गिर पड़ा, जबकि बलविंदर की तलाश रात भर की गई, कहीं नहीं मिला। दास के अनुसार बलविंदर की जेब में 400-500 रुपए था, जिसे किसी ने निकाला। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से बेहोश बलविंदर को होटल पहुंचा दिया गया। और देख लो। मोबाइल वाले है पैकेट में? नहीं, मोबाइल हम लोग दोस्त है। क्या नाम है दोस्त का? बलविंदर। आप जानते हैं वो एसपी आप क्या करता है बलविंदर? बलविंदर क्या करता है? ये होटल में काम करता है अभी। कहाँ पर? तलका बोल रहा मैं, पुराना कोर्ट में। हाँ। क्या हुआ इसको, आज कहाँ खोज रहा था? कैसे मिला आपको? अरे भाई, मना कर रहा, मत पियो लाके यहाँ गिर गया था, फिर हमने भाग के आए उठा ले। खोज रहे थे आप? हाँ। मेरा डिग्री फ्रेंड है ना, डिग्री दोस्त है। तो कहाँ खोजे आप? हैं, कहाँ खोजे थे उसको? बस यहाँ देखा खड़ा हुआ, तब आए हम रिक्शा लेके घर ले जाए। इधर पागल है ना, दारू पी के गिर गया। हाँ जी, मेरा नाम है संजय खान। क्या नाम आपका? संजय खान। संजय। और उल्ली थाना क्षेत्र के संजय पथ में अधिक शराब पीने के कारण नाली में गिरकर सोनू प्रसाद नामक व्यक्ति की मौत हो गई। इधर मृतक के बड़े भाई नबल किशोर प्रसाद ने बताया, उसका छोटा भाई सोनू प्रसाद बहुत ज्यादा शराब पीता था। रविवार की सुबह नशे की हालत में घर के सामने छोटा भाई नाली में गिर गया। बाद में उसे MGM अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। दारू पीते थे सुबह शाम। अच्छा, उसी में नाली में गिरे। हम लोग वकील में खबर मिला, उठा के लाए हॉस्पिटल लाए, डेट कर गए। कहाँ पे गिर गया था? नाली में? नाली में, घर ही के पास। कितना बजे हुआ घटना, कब गिरा सर? हम लोग 7 बजे के लगभग में हम लोग को खबर मिला। गिरा कब था? कब गिरा होगा हमको कैसे पता सर? घर में रात में था क्या? वो सुबह सुबह निकल जाता था सर, हम लोग सोए हुए हैं घर में और निकल गए। शादीशुदा है? नहीं, शादीशुदा नहीं था। क्या करता था काम? ओ, रजा कुल्ली था। हाँ। अच्छा, तो उसी में हुआ घटना दारू पीने से। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। पहली बार राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2016। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरी कोटा और भी बहुत कुछ। 25,000 वैरायटी।
के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। AIMIM के जमशेदपुर पश्चिमी सीट के उम्मीदवार रियाज शरीफ ने कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा, नागरिकता बिल पर बन्ना आखिर चुप क्यों है। रियाज शरीफ ने कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा, नागरिकता बिल पर कांग्रेस प्रत्याशी आखिर चुप क्यों है। बिल पर कांग्रेस प्रत्याशी को अपना रुख साफ करना चाहिए। उन्होंने कहा, 23 दिसंबर के बाद नागरिकता बिल के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। सड़कों पे उतर के चाहे नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, चाहे बंगाल का मामला हो, चाहे यूपी का मामला हो, तमाम जगह पर लोग जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें कोई धर्म। हम लोग एक जॉइंटली प्रोटेस्ट जो है पूरे शहर में एक बड़ा प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसमें तमाम लोग संविधान के जानकार भी उस मंच पर मौजूद होंगे, जो बताएंगे कि कहीं ना कहीं जो आज इस राष्ट्र के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने सदन में लोकसभा में जो नागरिकता संशोधन बिल आया उसका हम विरोध प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है 23 दिसंबर तक। 23 दिसंबर के बाद हम एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है तमाम सामाजिक और दूसरी संस्थाएं जो मानवाधिकार पर काम करती है, क्योंकि ये मानवता का के अधिकार का हनन है, जो नागरिकता के अधिकार तमाम हिंदुस्तान के लोगों को दिए गए हैं उसका हनन है। तो ये हम 23 तारीख के बाद एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है हमारी पार्टी करेगी, और उसमें तमाम सामाजिक संस्थाएं और जो दूसरी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। इधर राजनगर प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला पर्व दसवीं बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बगराई साई में दशमी का महापर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बगराई साई में शुक्रवार शाम जाहिर स्थान में पूजा अर्चना की गई, उसके बाद मेहमानों का आना जाना लगा रहा। बगरा साई में प्रत्येक घरों में भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, सभी सगे संबंधी इस खुशी के मौके में शामिल हुए। वहीं बगराई साई में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमेश हांसदा भी वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि दसवीं का ये महापर्व 5 वर्षों में एक बार होता है, जिसे लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और सभी एक दूसरे के खुशी में शामिल होकर अपनी एकजुटता का प्रतीक बनकर खुशी खुशी एक साथ हाथ में हाथ डालकर नाचते हैं। ये आदिवासियों संथाल समुदाय का खास करके ये सिंहभूम जिला में और मयूरभंज जिला में मनाया जाता है। ये 5 साल में एक बार होता है और इसको दुसुनी के नाम से हम लोग बोलते हैं। इसमें खास करके वैसे लोगों को बुलाया जाता है जो अपने परिवार में बहन हो, अपनी फुआ हो, उन लोग को बुलाया जाता है। खास करके उनको मेहमान नवाज देते हैं, उनको बुला के काव भगत किया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, और एक भाईचारा का जो संदेश है वो उसमें जाता है, एक रिश्ता मजबूत होता है। और ये अलग अलग गांव में अलग अलग तिथि में होता है, और एक गांव में एक बार मैंने एक ही तिथि में पूरे गांव में संपूर्ण सभी गांव में, तो पूरे गांव में मेले जैसी स्थिति रहती है और सभी घर में 100-150 लोग मेहमान रहते हैं और एक बड़ा पर्व का माहौल बने रहता है, उत्साह का माहौल। साथ ही जमशेदपुर रोनियार वैश्य समाज का वार्षिक पारिवारिक मिलन सह वन भोज कार्यक्रम का आयोजन आदित्यपुर के जयप्रकाश उद्यान में आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वैश्य समाज के लोग अपने पूरे परिवार के संग मौजूद रहे। इस मौके पर रोनियार वैश्य समाज के एकता और विस्तारीकरण को लेकर गंभीर चर्चा की गई। साथ ही समाज द्वारा आगे सामाजिक कार्य की रणनीति भी तैयार की गई। वहीं समाज द्वारा जमशेदपुर शहर में धर्मशाला निर्माण करने, समाज के छात्र छात्राओं को शिक्षा में सहयोग देने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस मौके पर महिलाओं और बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। युवा मंच के तत्वाधान में हम लोग आज एक कार्यक्रम रखे हैं, मिलन समारोह सा वनभोज। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज में एकता के साथ साथ हमारे जो
विद्यार्थी हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भी हम लोग समाज की तरफ से मदद करेंगे। हमारा समाज, हम लोग बहुत ही धनी है इस मामले में कि हमारे बहुत से लोग जो हैं अपने बल पर बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर गए हुए हैं। हमारे विद्यार्थी बहुत, न केवल भारत में ही बल्कि विश्व में हर स्थान में हमारे विद्यार्थी हैं हमारे समाज के। तो हम लोग चाहते हैं जो हमारे समाज में जो पीछे हैं हम उसको भी इस माध्यम से आगे बढ़ाना चाहेंगे। और आने वाले समय में हम लोग एक समाज का एक धर्मशाला भी बनाना चाहते हैं जिसके माध्यम से हम लोग समाज को और भी उत्कृष्ट सेवा दे सकें। वहीं मानगो स्थित ASPS स्कूल में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। नर्सरी से पांचवीं कक्षा के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वार्षिक समारोह में बच्चों ने एक से बढ़कर एक इवेंट प्रस्तुत किए। इस मौके पर बड़ी तादाद में अभिभावक मौजूद थे। इधर स्कूल की टीचर नोरीन ने बताया कार्यक्रम में 110 बच्चों ने भाग लिया। आपके स्कूल में क्या नाम है स्कूल का? हमारे स्कूल का नाम अलमनास कॉलर पब्लिक स्कूल है मानगो। आज हमने यहाँ पे अपनी 5th एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट की। इसमें नर्सरी टू टिल 5 स्टैंडर्ड के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मैक्सिमम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और अलग अलग कल्चर को हमने दिखाया अपने इस प्रोग्राम में। एंड काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे? इसमें अराउंड 110 बच्चे ने किया पार्टिसिपेशन। गुड इवनिंग नोरीन। और मौसम का मिजाज बदला, ठंड की दस्तक के साथ जुबली पार्क गुलजार हो गया। रविवार को पिकनिक मनाने वालों का पार्क में भीड़ रहा। मौसम ने मिजाज बदला, ठंड की दस्तक के साथ जुबली पार्क गुलजार हो गया। रविवार को छुट्टी के दिन बड़ी तादाद में लोग बच्चों के साथ पिकनिक मनाने पार्क पहुंचे। चिल्ड्रन पार्क में बच्चों ने झूला का आनंद उठाया। वहीं जुबली पार्क तालाब में बोटिंग किया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। MGM अस्पताल में जीवित व्यक्ति को नर्सों ने बताया मृत, हंगामे के बाद पुलिस ने किया मामला शांत। राजनगर के छोटा सिजुलता में रहती जमीन पर बिजली खंभा लगाने को लेकर जमीन मालिक ने किया हंगामा। साक्षी मरीन ड्राइव गोल चक्कर के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर दो युवक जख्मी, एक की हालत गंभीर। और जमशेदपुर में दो अलग अलग जगहों पर शराब पीने से एक की हालत खराब, एक की मौत। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। पहली बार राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2016 सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरी कोटा और भी बहुत कुछ। 25,000 वैरायटी।